हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार आप सभी का पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्नावली नामक टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्नावली विशेष प्रकार के प्रयोजन से निर्मित प्रश्नों की एक व्यवस्थित तालिका होती है, जिसके द्वारा विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रश्नावली सामाजिक तथ्यों को प्राप्त करने की एक उपयोगी यंत्र है। कुछ विद्वानों ने प्रश्नावली से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को भी बताया है, जिसमें गुडे एवं हार्ट के अनुसार सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने वाले उस उपकरण से लगाया जाता है जिसमें एक फार्म का प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। बोगार्ट्स के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्नों की एक तालिका है, जिससे निश्चित प्रमाणीकृत परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसका सारणीयन किया जा सकता है तथा सांख्यिकीय उपयोग भी संभव होता है। विल्सन के अनुसार यह प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा चुने हुए लघु समूह में, ना कि विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की सुविधाजनक प्रणाली है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो प्रश्नावली अध्ययन समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करने की एक विधि या यंत्र माना गया है। यह दूर दूर तक फैले हुए समूह के विषय में सूचना संग्रह की एक सरल पद्धति है। प्रश्नावली की भाषा सरल और स्पष्ट होती है। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए वह आवश्यक है कि सूचनादाता शिक्षित होना चाहिए। प्रश्नावली में सूचनादाता अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति में प्रभावित हुए बिना उत्तर देता है। प्रश्नावली में उत्तर प्रेरणादायक हो, ऐसा प्रयास किया जाता है ताकि सूचनादाता उत्तर देने में लापरवाही ना करें। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं तुलनात्मक दृष्टि से अधिक वस्तुनिष्ठ एवं वैध होती है। प्रश्नावली से समय, धन और श्रम की बचत भी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्नावली के उद्देश्य के बारे में। तो प्रश्नावली के उद्देश्यों में विस्तृत एवं बिखरे हुए क्षेत्र से यथार्थ और स्वाभाविक सूचनाओं को संकलित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना गया है। गोपनीयता की रक्षा करते हुए सूचनाएं प्राप्त करना जो अन्य साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती, समय, धन और परिश्रम से इसकी बचत होती है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्नावली के प्रमुख प्रकारों के बारे में। प्रश्नावली के मुख्य रूप से हम निम्नलिखित प्रकारों को देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला है संचरित प्रश्नावली। पीवी यंग के अनुसार जब प्रश्नों का निर्माण अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही किया जाता है तब उसे संरचित प्रश्नावली कहते हैं। इन प्रश्नों के बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता। इस प्रश्नावली का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र और प्राथमिक सूचनाओं के संग्रह के लिए किया जाता है। दूसरा प्रकार है असंरचित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण करने से पहले से नहीं होता, बल्कि अध्ययन के क्रम में किया जाता है और समय समय पर उसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इस प्रकार कामटे ने लिखा है, इसमें वे निश्चित विषय क्षेत्र शामिल होते हैं जिनके बारे में साक्षात्कार की अवधि की सूचना प्राप्त करनी होती है, परंतु इस प्रणाली में साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के स्वरूप में क्रम आदि के विषय में प्रायः स्वतंत्र होते हैं। अतः इस पद्धति में समस्या के दौरान प्रश्नों को निश्चित किया जाता है और अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है। किंतु विद्वानों ने कांट के इस मत का खंडन किया है, इसे प्रश्नावली का प्रकार नहीं माना। तीसरा प्रकार है बंद प्रश्नावली।
बंद प्रश्नावली को प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है। इस तरह की प्रश्नावलियों में सूचनादाता अपनी विचारधारणाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर पाता। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न के आगे उसका संभाग उत्तर भी दिया हुआ रहता है। चौथा प्रकार है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली को अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है। खुली प्रश्नावलियों में प्रश्नावलियाँ होती है जिनमें उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने में स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। इस प्रश्नावली में प्रश्न दिए रहते हैं और उसके आगे जगह छोड़ दी जाती है। उत्तरदाता स्वेच्छा से जो चाहे उत्तर दे सकता है। अगला प्रकार है चित्रमय प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रश्न दिए जाते हैं और उसके आगे उत्तर के रूप में चित्र दिए जाते हैं। उत्तरदाता उन चित्रों को चिन्हित कर अपने उत्तर को स्पष्ट करता है। इस प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षित बच्चों तथा कम बुद्धिमान व्यक्ति अथवा अत्यंत व्यस्त व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे परिवार नियोजन से संबंधित प्रश्न। छठवीं मिश्रित प्रश्नावली है, जिसमें कि नाम से स्पष्ट है कि मिश्रित प्रश्नावली वह होती है जिसमें प्रश्नों की प्रकृति किसी एक स्वरूप तक ही सीमित न होकर अनेक प्रकार से प्रश्नों से संबंधित होती है। ऐसी प्रश्नावली में साधारणतः बंद और खुले हुए सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। एक विशेष सूचना अथवा विचार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के प्रश्न की सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है उसका ऐसी प्रश्नावली में समावेश कर लिया जाता है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक तथ्य इतने जटिल और विविधतापूर्ण होते हैं कि एक विशेष प्रकृति के प्रश्नों द्वारा ही उन सभी को ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है। देखा दोस्तों, आज हमने बात की प्रश्नावली के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उद्देश्य के बारे में तथा प्रकारों के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।